अफीम के बीज खाना बनाने की विधि में भी प्रयोग किए जाते हैं। सूखी अफीम को सरकारी दर पर जिला अफीम कार्यालय में बेचा जाता है। अफीम किसान की मेन क्रॉप है, क्योंकि जो अन्य फसलें होती है, गेहूं है, ये लहसुन है, उससे अफीम में अधिक पैसा मिलता है। ये 20 आरी का पट्टा है, 20 आरी में हमें 2 क्विंटल इसमें खसखस बैठता है और अफीम भी इसमें अच्छी आ जाती है, तो ये हमें खसखस के भाव अच्छे मिलते हैं। इससे क्या है कि किसान को बढ़िया फायदा होता है और 1100 की रेट का भी पैसा हमें वहाँ से मिलता है सरकार से, तो वो भी हमें काफ़ी फायदा हो जाता है। बाकी फसल कोई भी है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो इस तरह आपके पास 3 विकल्प हैं। अब आपको इनमें से एक को चुनना है। यदि साधन सीमित हैं, तो अश्वगंधा और ईसबगोल की खेती करें, और अगर पर्याप्त मात्रा में पूंजी और साधन हैं, तो अफीम की खेती कीजिए, बशर्ते आपको अफीम उगाने का लाइसेंस मिला हुआ हो। इन औषधीय पौधों की खेती न सिर्फ आपका आर्थिक स्तर उठाएगी, बल्कि साल दर साल नकदी फसल उगाने में सहायक भी सिद्ध होगी। स्वस्थ समर्थ बने किसान। इफको किसान का सपना।